वालेकुम क्लास, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कर ली थी, तो ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है कि किस तरह से कोई पार्टिकल अगर वन डायमेंशनल बॉक्स में मूव कर रहा है, हम उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये हमारे पास एक पार्टिकल है और ये इस बॉक्स में प्रेजेंट है। जो बॉक्स है, बॉक्स की एक वॉल x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। एक साइड पे वॉल को हमने ज़ीरो से लेकर कहा है कि यहाँ पर वॉल की जो बॉक्स की जो दूसरी साइड है वो है x इज़ इक्वल टू l, ठीक है। ये हमारे पास बॉक्स की दो साइड्स हैं और पार्टिकल मूव कर रहा है लीनियर मोशन में, सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक डायरेक्शन है x एक्सिस में, वो मूव कर सकता है। अब ये पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो इस बॉक्स के अंदर होगी। अब बॉक्स की जो वॉल्स हैं उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, v इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। और पार्टिकल का खुद का पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अब जब पार्टिकल के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है क्योंकि इन्फिनिटी के कंपेरिजन में वो ज़ीरो के इक्वल होगी, इतनी उसके पास एनर्जी नहीं है कि वो पार्टिकल बॉक्स से बाहर जा सके, ठीक है। अब इस बॉक्स का कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वेव फंक्शन क्या होता है, लोगों का जो थम इम्प्रेशन है वो पार्टिकल्स के लिए साई है, पार्टिकल्स के लिए वो वेव फंक्शन है। तो यहाँ पे पार्टिकल की जो वेव फंक्शन है, पार्टिकल का वेव फंक्शन है वो आउट ऑफ द बॉक्स कितना होगा। अब आप कुछ सपोज करें कि अगर ये पार्टिकल इधर प्रेजेंट है, अगर आप इस रूम में प्रेजेंट हैं तो रूम से बाहर आपकी आइडेंटिटी कितनी होगी, या आपका थंब इम्प्रेशन रूम से बाहर कितना होगा, तो वो ज़ीरो होगा क्योंकि जहां आप होंगे आपका थंब इम्प्रेशन भी वहीं पे होगा, आपकी आइडेंटिटी वहीं पे होगी। तो पार्टिकल से बाहर साई ज़ीरो है, सॉरी, बॉक्स से बाहर पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो ज़ीरो है। इसी तरह यहाँ पर भी साइज इक्वल टू ज़ीरो है और जो वॉल है, जो इसकी दोनों वॉल्स हैं, वहाँ पर भी साई या वेव फंक्शन ज़ीरो के इक्वल ही होगा क्योंकि उनके पास तो इतना, पार्टिकल के पास तो इतना पोटेंशियल है ही नहीं कि वो वॉल को क्रॉस कर सके। तो वॉल पे भी साई ज़ीरो के इक्वल होगा, यहाँ पर भी साई ज़ीरो के इक्वल होगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए जो हमने वैल्यू निकाली थी वहाँ से हम आगे कॉन्टिन्यू करते हैं। तो वो इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें पता है यहाँ पर देखें कि जो पार्टिकल है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, यहाँ पे हम v इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमने v की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस 0 साई इज इक्वल टू 0। अब हम इसको, ये माइनस 0 है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई, ये इक्वल है लैम्डा स्क्वायर के, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में हमने वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई, इसकी जगह पे हम लोगों ने अब लिखना है लैम्डा स्क्वायर, और ये साई तो लैम्डा स्क्वायर हो गई, बाकी हमारे पास क्या बचा, साई इज इक्वल टू 0। अब ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इसका सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन लिखें इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करके बहुत लेंथी सॉल्यूशन होगा, उस लेंथी सॉल्यूशन के बाद जो आंसर आएगा हमें सिर्फ उस आंसर से कंसर्न है, तो हम इसकी सारी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स प्लस
बी कॉस लेमडा एक्स, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो बेसिकली यूज़ किस लिए होती है, वो होती है किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन कितना है और किसी भी पार्टिकल की एनर्जी कितनी है। तो हम लोगों ने अब वन डायमेंशनल बॉक्स में देखना है कि इस पार्टिकल की, जो पार्टिकल हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पार्टिकल की एनर्जी कितनी है और उसका वेव फंक्शन कितना है। अब हमने यहाँ से इसका वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ए और बी, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। जैसे ही हमें ए और बी की वैल्यू का पता लग जाएगा, हम लोग फौरन से वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट क्या है, जो एक वॉल है वो ज़ीरो है और सेकंड वॉल है एल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये सपोज करते हैं जब एक्स ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है, एक्स ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब है ये वाली वॉल है, ये दीवार है, ठीक है, बॉक्स की ये वाली वॉल है, उस टाइम में वेव फंक्शन कितना होगा। हमने बताया है कि आउट ऑफ द बॉक्स या ऑन द वॉल साई ज़ीरो होगा, तो उस टाइम में हमारे पास साई की वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर एक्स एल के इक्वल है, एक्स इज़ इक्वल टू एल, उस टाइम भी साई ज़ीरो के इक्वल ही होगा। साई किस टाइम, ए साइन लैम्डा एक्स प्लस बी कॉस लैम्डा एक्स के इक्वल होगा, जब पार्टिकल इन दोनों वॉल्स के दरमियान में कहीं पे होगा, उस टाइम में साई की वैल्यू ये होगी। अब हम करते हैं पहले एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो को पुट। तो पहले एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, उस टाइम में हम इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 4 नेम दिया था हमने, तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, उस टाइम में साई की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो, इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा, हमने पुट किया है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो प्लस बी कॉस लैम्डा इंटू ज़ीरो, ठीक है। अब लैम्डा इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया और साइन ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल हो गया, तो ये सारी वैल्यू आ गई ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस लैम्डा इंटू ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल होगा, कॉस ज़ीरो वन के इक्वल होगा, वन मल्टीप्लाई बाय बी, बी के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास आ गई बी इज इक्वल टू ज़ीरो। जो कांस्टेंट बी था उसकी वैल्यू आ गई है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकते हैं, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स प्लस ज़ीरो, तो ये आ गई ए साइन लैम्डा एक्स, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई, ठीक है। अब वेव फंक्शन की वैल्यू अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि अभी भी हमारे पास ए एक कांस्टेंट है, जब तक हम इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास इसकी पूरी इक्वेशन नहीं आएगी। इक्वेशन नंबर 5 थी, मैंने वहाँ से रेज करके इसे इधर लिख दिया। हम क्या करेंगे, अब x इज़ इक्वल टू एल पुट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग वही इक्वेशन साई वाली देखते हैं, जब x इज़ इक्वल टू एल होगा साई इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, उसके बाद a साइन लैम्डा इंटू एल होगा और प्लस b की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो b की वैल्यू ज़ीरो आ गई। अब ये आएगा a ज़ीरो इज़ इक्वल टू, या हम a साइन लैम्डा एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है a, सेकेंड वन साइन लैम्डा एल, या तो a ज़ीरो के इक्वल होगा या साइन लैम्डा एल ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर a ज़ीरो के इक्वल हम कर देते हैं तो हमारा आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि b तो ऑलरेडी ज़ीरो था, b भी एक कांस्टेंट था, अगर a भी ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा जो ओवरऑल वेव फंक्शन है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, और अगर वो ज़ीरो के इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कि पार्टिकल की कोई आइडेंटिटी नहीं है और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब हमें पता है कि जब साइन एन पाई करते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है, साइन एन पाई, ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में साइन एन पाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, जैसे साइन टू पाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, साइन थ्री पाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, उसकी जगह मैंने लिख दिया साइन एन पाई। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर बी और ये इक्वेशन नंबर सी।
ठीक है। ए हमने स्टार्ट में लैम्डा स्क्वायर ये देखें, ये लैम्डा स्क्वायर लिखी थी। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा एल इज इक्वल टू एन पाई, या लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल, और लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर डी है। अब हम इक्वेशन नंबर ए को और इक्वेशन नंबर डी को कंपेयर कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर ए थी, ये इक्वेशन नंबर डी है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अब हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए को और डी को, तो ये इस तरह से आ गई है। इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये एच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ओवर 8 पाई स्क्वायर एम इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ से पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8 एम एल स्क्वायर। अब यहाँ पर साई की वैल्यू अभी वेव फंक्शन कंप्लीट नहीं निकला, लेकिन एनर्जी की वैल्यू आ गई है। तो किसी भी पार्टिकल जो वन डायमेंशनल बॉक्स में मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी एनर्जी हमारे पास nth लेवल के लिए है। अगर जीरो पॉइंट एनर्जी हो, तो जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब क्या है? जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब है कि जो कोई भी पार्टिकल है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पर है या फर्स्ट एनर्जी स्टेट्स पर है। ये देखें, ये एनर्जी स्टेट्स हैं। ये जो जीरो लेवल है उस पर एन की वैल्यू 1 होती है, फर्स्ट लेवल पर एन की वैल्यू 2 होती है, सेकेंड लेवल पर एन की वैल्यू 3 होती है, इसी तरह थर्ड लेवल पर एन की वैल्यू 4 होगी, फोर्थ लेवल पर एन की वैल्यू 5th होगी। तो यहाँ पे जो जीरो लेवल है उस पे एनर्जी एन की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर जीरो पॉइंट एनर्जी पे हम कहेंगे कि ई इज इक्वल टू 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही होता है, तो एच स्क्वायर ओवर 8 एम एल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एनर्जी और वेव फंक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। और देखें, जीरो पॉइंट एनर्जी पे भी हमारे पास जो वैल्यू है एनर्जी की वो जीरो नहीं है, वो एच स्क्वायर ओवर 8 एम एल स्क्वायर है। इसका मतलब है कि जीरो पॉइंट पे भी वो पार्टिकल स्टिल नहीं है, वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? वेव फंक्शन, जो हम वहीं से कैलकुलेट करते आ रहे थे पीछे से। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन से कंटिन्यू करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 से, साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स, ठीक है। अब जो लैम्डा है उसकी वैल्यू कितनी थी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, लैम्डा की वैल्यू पीछे इक्वेशन नंबर सी में, ठीक है। वहाँ पर क्या वैल्यू आई थी वो वैल्यू पुट करते हैं, साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी एन पाई ओवर एल इंटू एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 6 होगी। हमने जो पार्टिकल की बात की है वो एक नॉर्मलाइज्ड वेव पार्टिकल है या नॉर्मलाइज्ड पार्टिकल है। कैसे नॉर्मलाइज्ड है? क्योंकि हमें 100% श्योर है कि वो उस बॉक्स में प्रेजेंट है। किसी भी पार्टिकल की अगर प्रेजेंस के चांसेस 100% हों तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोज अगर मुझे पता है कि एक स्टूडेंट इस क्लास में प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगी कि एक दीवार से दूसरी दीवार तक की लिमिट लगा दूँगी कि ये स्टूडेंट के यहाँ पे चांस के, यहाँ पे प्रेजेंस के 100% चांस हैं। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि वो स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगी? फिर मैं इस पूरी बिल्डिंग की लिमिट लगा दूँगी। अगर मुझे ये भी नहीं पता कि वो इस बिल्डिंग में है या नहीं, तो मैं क्या करूँगी? पूरी सिटी की लिमिट लगा दूँगी। और अगर सिटी का भी नहीं पता, तो मैं क्या करूँगी? मैं इस पूरी यूनिवर्स की लिमिट लगा दूँगी, ठीक है। तो वो हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में हमारे पास साई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर ये साई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब है फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। मतलब हमें 100% पता है कि ये चीज़ इधर ही प्रेजेंट है, ये पार्टिकल इधर ही प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये साई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब है कि हमें 100% पता है वो पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन या ऑर्थोगोनैलिटी। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन या नॉर्मलाइजेशन। इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन या ऑर्थोगोनैलिटी।
कहाँ तक इसकी लिमिट है, 0 टू L। हमें पता है ना कि हमने पार्टिकल की वो जो बॉक्स देखा था कि 0 से L तक वो पार्टिकल प्रेजेंट है बॉक्स में, तो हमने वही लिमिट लगा दी है 0 टू L। तो ये है इक्वेशन नंबर 7। अब साइज स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 0 टू L इंटू ए साइन एन पाई ओवर L इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये 0 टू L है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब ये सारा थीटा है, ठीक है, एंगल है, तो साइन स्क्वायर साइन के साथ तो स्क्वायर आएगा, एंगल एज इट इज आ जाता है, तो ये आ जाएगा एन पाई ओवर L इंटू एक्स और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर को बाहर लिख देते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 0 टू L साइन स्क्वायर एन पाई ओवर L एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपोज कर लिया कि थीटा हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इससे लिख देते हैं ए स्क्वायर इंटू 0 टू L साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोगों ने अब लिखना है 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस, अब कॉस यही आएगा, कॉस यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद थीटा ये है, तो एन पाई ओवर L इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास, हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 8 है। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको 2 को बाहर ले आते हैं, ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू 0 टू L डी एक्स को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉस 2x के साथ भी, क्योंकि dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं dx माइनस cos, ये देखिए ये लिमिट 0 टू L cos 2n पाई ओवर L इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास इज इक्वल टू 1 है, ऊपर भी इज इक्वल टू 1 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे a स्क्वायर ओवर 2 इंटू ये आ जाएगा x माइनस, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए दोबारा हम मैथ्स का रूल लगाएंगे। मैथ्स का रूल क्या होगा, वो हमारे पास है कॉस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2n पाई ओवर L हमारे पास अल्फा है, बाकी ये एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 ओवर अल्फा, ठीक है, साइन, और ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा इंटू एक्स, ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो हम 2n पाई ओवर L को अल्फा कह रहे हैं। ठीक है, बाकी x है और dx है, तो इसको सॉल्व करें कैसे आएगा, 1 ओवर अल्फा, 1 ओवर अल्फा का मतलब है कि इसको हम रिवर्स में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा L ओवर 2n पाई, ठीक है, इंटू साइन, फिर आ जाएगा अल्फा, तो ये है 2n पाई ओवर L, 2n पाई ओवर L इंटू एक्स, और लिमिट हमारे पास क्या है, 0 टू L। इसको सॉल्व कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये देखें हमारे पास लोअर लिमिट तो 0 है, तो हम सिर्फ अपर लिमिट लिख देते हैं, ये L माइनस L ओवर 2n पाई साइन 2n पाई ओवर L इंटू L इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने अपर लिमिट लिख दी, माइनस 0 लिख देंगे तो वो लोअर लिमिट हो जाएगी। अब ये L जो है इस L से कैंसिल हो गया और a स्क्वायर ओवर 2 इंटू L माइनस L ओवर 2n पाई साइन 2n पाई इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने देखा था कि साइन n पाई वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, साइन n पाई इज इक्वल टू 0, तो ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। ये आ गया a स्क्वायर ओवर 2 इंटू L माइनस 0 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे L उस तरफ चला जाएगा, 2 भी उस तरफ, 2 ओवर L हो जाएगा, और सिर्फ अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a इज इक्वल टू अंडर रूट
टू ओवर एल आ जाएगा। अब हम लोगों ने बी की वैल्यू निकाली थी, बी कॉन्स्टेंट शुरू में देखा था जीरो के इक्वल होता है। लास्ट इक्वेशन जो हमने साई की लिखी थी वो थी ए साइन एन पाई ओवर एल इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए की वैल्यू पुट कर देनी है, साई इज इक्वल टू ए की वैल्यू है टू ओवर अंडर रूट टू ओवर एल इंटू साइन एन पाई ओवर एल इंटू एक्स। ये हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई है। और वेव फंक्शन हमेशा स्केयर में होता है क्योंकि वेव फंक्शन कैन नेवर बी ज़ीरो। तो यहाँ पे साई स्केयर इज इक्वल टू टू ओवर एल साइन स्केयर एन पाई ओवर एल इंटू एक्स। तो ये हम इस तरह से वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं और एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई भी पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में मूव कर रहा है या उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन थी।